हेलो दोस्तों, माय यूट्यूब में आप सभी का स्वागत है। आज की वीडियो में हम लोग बिहार SSC एग्जाम्स 2024 के लिए टॉप प्रश्नों में से प्रैक्टिस सेट नंबर 7 को देखेंगे, जो कि खान सर की बुक है। दोस्तों, जितने भी प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन थे मैंने इसका वीडियो बना करके डाल दिया हुआ है, ठीक है। आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जा करके सभी का लिंक मिल जाएगा, आप वहाँ पर जाके देख सकते हैं, ठीक है। तो चलिए हम लोग कम समय में बेहतरीन तरीके से एक बार में याद करने का सभी प्रश्नों को कोशिश करते हैं। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, ठीक है, और जल्द से जल्द जुड़ सकते हैं ताकि हमारा हर एक आने वाला वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचे। तो चलिए प्रश्न की शुरुआत करते हैं। सवाल नंबर एक है स्क्रीन पे आपके सामने। निम्नलिखित में से यानी निम्न में से कौन सिंधु घाटी सभ्यता का एक बंदरगाह था? ऑप्शंस दिया हुआ है दोस्तों, हड़प्पा, कालीबंगा, लोथल, मोहन जोदड़ो। तो इसका सही जवाब हो जाएगा लोथल, ऑप्शन नंबर सी। दोस्तों ये ऐसे जो है कि देख लीजिएगा एक बार तो याद हो जाएगा, ठीक है। सवाल नंबर दो को देखते हैं। गौतम बुद्ध ने धर्म चक्र प्रवर्तन कहाँ आरंभ किया था दोस्तों? तो इन्हें इसे जो कि बिना देर के भी आप लोग बता सकते हैं, सारनाथ में, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इसका सही जवाब। अगला सवाल है सवाल नंबर तीन स्क्रीन पे आपके सामने। सविनय अवज्ञा आंदोलन का संबंध किस घटना से है दोस्तों? तो साइमन कमीशन, गांधी इरविन समझौता, या जालियांवाला बाग, या दांडी यात्रा। तो दोस्तों इसका ऑप्शन इस प्रकार दिया हुआ है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा दांडी यात्रा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इसका राइट आंसर। अगला सवाल है लाला हरदयाल का संबंध किस क्रांतिकारी से था? ऑप्शन इस प्रकार आपके सामने दिया हुआ है दोस्तों, ठीक है। आप यहाँ पे बिल्कुल देख सकते हैं ऑप्शन के रूप में दिया हुआ है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर यानी गदर पार्टी, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब भारत को अपनी आज़ादी मिली तब भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे दोस्तों? तो इसका सही जवाब हो जाएगा आचार्य कृपलानी, ठीक है दोस्तों, आचार्य कृपलानी, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका राइट आंसर। सवाल नंबर छः है, ब्रिटिश सम्राट के अधीन जो है कि नियुक्त भारत का प्रथम वायसराय कौन था? तो दोस्तों ऑप्शन इस प्रकार दिया हुआ है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा लॉर्ड कैनिंग, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इसका राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्क्रीन पे आपके सामने सवाल नंबर सात, चिपको आंदोलन का आरंभ, ठीक है दोस्तों, चिपको आंदोलन का आरंभ हुआ था तो किस राज्य में हुआ था, ये आपको बताना है दोस्तों, ठीक है। तो यह जो है कि इसकी शुरुआत जो कि उत्तराखंड में ही हुई थी, यानी ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इसका राइट आंसर। अगला सवाल है, ब्रिटेन द्वारा चीन विजय की शुरुआत हुई थी? ऑप्शन है इस प्रकार आपके सामने, साइमन रूसो युद्ध, अफीम युद्ध, ठीक है, साइनो ब्रिटिश युद्ध, या साइनो फ्रेंच युद्ध। तो दोस्तों इसका सही जवाब हो जाएगा अफीम युद्ध, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका राइट आंसर। अगला सवाल है, इंग्लैंड में किस वर्ष में वे की ग्लोरियस रिवॉल्यूशन, ठीक है, गौरवशाली क्रांति हुई? 1683, 1678, 1688, या 1698? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा 1688, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका सही जवाब। अगला सवाल है स्क्रीन पे आपके सामने, भारतीय संविधान की प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, बीएन राव, या जवाहरलाल नेहरू? तो दोस्तों इसका सही जवाब है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका राइट आंसर। अगला सवाल है, भारत का संविधान कब अपनाया गया? दोस्तों बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, तो ये जो है कि 26 जनवरी, यहाँ माफ कीजिएगा, 26 नवंबर 1949 को अपनाया गया था, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका सही जवाब। नेक्स्ट क्वेश्चन है, समवर्ती सूची के अंतर्गत निम्न में से कौन सा विषय है? ठीक है, ऑप्शन है इस प्रकार आपके सामने, अंतर्राज्यीय नदियाँ, या ट्रेड यूनियन, या नागरिकता, या स्थानीय शासन? तो दोस्तों इसका सही जवाब हो जाएगा ट्रेड यूनियन, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका राइट आंसर। अगला सवाल है, भाषण की अभि जो है कि भाषण और अभिव्यक्ति की
स्वतंत्रता शामिल नहीं है। ऑप्शन इस प्रकार आपके सामने दिया हुआ है दोस्तों, तो इसका सही जवाब हो जाएगा मौन रहने का अधिकार, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका राइट आंसर। सवाल नंबर जो है कि 14 को देख लेते हैं, जो कि स्क्रीन पे है आपके सामने। भारत के राष्ट्रपति चुनाव यानी भारत का राष्ट्रपति चुनाव होता है, ऑप्शंस इस प्रकार आपके सामने दिया हुआ है दोस्तों, तो ये सही जवाब है इसका 5 साल बाद, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का संविधान भारत के महान्यायवादी नियुक्ति के अधिकार ठीक है खाली स्थान को देता है, ऑप्शन जो है कि इस प्रकार है आपके सामने, तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा राज्यसभा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इसका राइट आंसर। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सी समिति चुनाव सुधार से संबंधित नहीं है, तो दोस्तों इस प्रकार ऑप्शन है इसका सही जवाब हो जाएगा वाई के अलग समिति, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इसका राइट आंसर। अगला सवाल है, महापौर निम्नलिखित में से किसका प्रमुख होता है, ऑप्शंस हैं इस प्रकार आपके सामने ठीक है, नगर परिषद, नगर निगम, जिला परिषद, परिवहन निगम, तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा नगर निगम, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका सही जवाब। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ईवीएम का मतलब है, तो दोस्तों ईवीएम का मतलब आप सभी को पता होना चाहिए ठीक है, इसका मतलब होता है इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, केंद्र सरकार में वर्तमान महिला एवं बाल विकास मंत्री कौन है, ऑप्शन जो है कि इस प्रकार आपके सामने है दोस्तों, तो इसका सही जवाब हो जाएगा स्मृति ईरानी, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसकी हमारे सौर मंडल के एक ग्रह के रूप में गणना नहीं होती है, यानी फिर से क्वेश्चन सुन लीजिए दोस्तों, निम्नलिखित में से किसकी हमारे सौरमंडल के एक ग्रह के रूप में गणना नहीं होती है, तो दोस्तों इसका सही जवाब हो जाएगा प्लूटो, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका सही जवाब। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भूमध्य रेखा निम्न में से किस देश से गुजरती है, तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी केन्या। सवाल नंबर 22 है, निम्नलिखित में से कौन सा शहर 2 महाद्वीपों में फैला हुआ है, ऑप्शन इस प्रकार है दोस्तों, तो इसका सही जवाब हो जाएगा इस्तांबुल, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फर वनस्पति निम्न में से किससे संबंधित है, ठीक है मैंग्रोव वन, मानसूनी वन, अल्पाइन वन या पतझड़ वन, तो दोस्तों इसका सही जवाब है अल्पाइन वन, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी नदी सबसे लंबी है, ऑप्शंस हैं अमेजन, अमूर, कांगो, लेना, तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा अमेजन, अमेजन नदी जो कि सबसे लंबी नदी है ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, गंगा नदी सफाई कार्यक्रम के साथ सहयोग कर रहा है, ब्रिटेन, ऑस्ट्रेलिया, इटली, जर्मनी, तो दोस्तों इसका सही जवाब हो जाएगा जर्मनी, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुर्गियों एवं अंडों का अत्यधिक उत्पादन क्या कहलाता है, यानी ठीक है उत्पादन होना क्या कहलाता है दोस्तों, तो इसका सही जवाब हो जाएगा जो कि रजत क्रांति, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी बागान फसल नहीं है, कॉफ़ी, चाय, काजू, मोटे अनाज, तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी यानी मोटे अनाज। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी रबी फसल नहीं है, राई, सरसों, चावल, चना, गेहूं, तो दोस्तों इसमें से सबसे आपको डिफरेंट क्या दिख रहा है ठीक है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा चाय ठीक है, ऑप्शन नंबर जो है कि या फिर माफ कीजिएगा चावल हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी विल बी करेक्ट आंसर, क्योंकि राई यानी सरसों, गेहूं, चना एक फसल यानी रबी फसल है ठीक है, इसमें डिफरेंट क्या है चावल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 2011 के जनगणना के अनुसार भारत की किस राज्य की सर्वोच्च साक्षरता दर है, ऑप्शंस हैं इस प्रकार आपके सामने, तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा केरल, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका सही जवाब।
सवाल नंबर 30 है स्क्रीन पे आपके सामने। रॉबिन्स के अनुसार निम्न में से कौन केंद्रीय आर्थिक समस्याओं के लिए उत्तरदायी नहीं है? ऑप्शन इस प्रकार आपके सामने दिया हुआ है, असीमित आवश्यकताएं, दुर्लभ साधन, साधनों के वैकल्पिक उपयोग या संसाधनों के मध्यपूर्ण प्रक्रिया। ठीक है दोस्तों, ऑप्शन इस प्रकार आपके सामने दिया हुआ है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी असीमित आवश्यकताएं। ऑप्शन नंबर ए विल बी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है गृहस्थियों के द्वारा, ठीक है, यानी गृहस्थियों द्वारा खरीदी गई उपभोक्ता वस्तुओं तथा सेवाओं की औसत कीमत को मापने वाला एक सूचकांक है। ठीक है, तो दोस्तों इसका ऑप्शन इस प्रकार दिया हुआ है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा उपभोक्ता कीमत सूचकांक, यानी ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है वर्ष 1887 में इलाहाबाद विश्वविद्यालय की स्थापना की थी, यानी किसने की थी दोस्तों, ये पूछ रहा है आपसे, तो इसका सही जवाब है सर विलियम मोयर ने, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका सही जवाब। अगला सवाल है प्रश्न संख्या 33 स्क्रीन पे आपके सामने। निम्न में से किसने प्राकृतिक अधिकारों के सिद्धांत का प्रतिपादन किया था? ठीक है दोस्तों, किया है, ऑप्शन इस प्रकार हैं जॉन लॉक, रूसो, एच जे लॉस्की या वेंथम। तो दोस्तों इसका सही जवाब हो जाएगा जॉन लॉक, यानी ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका राइट आंसर। अगला सवाल है निम्न में से कौन सी संधि यूरोप में साम्यवाद को रोकने के लिए बनाई गई है? तो दोस्तों ऑप्शन इस प्रकार आपके सामने दिया हुआ है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा नाटो, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका सही जवाब। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है स्क्रीन पे आपके सामने सवाल नंबर 35। राष्ट्रीय मतदाता दिवस भारत में हर साल कब मनाया जाता है दोस्तों? तो ए आपको पता होना चाहिए कि 25 जनवरी को ही मनाया जाता है, यानी ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका राइट आंसर। अगला सवाल है उत्तर प्रदेश में आयोजित कौमफिल मेला किस समुदाय से जुड़ा हुआ है? ठीक है, जैन, ईसाई, सिख, बौद्ध। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा जैन, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है वर्मी कंपोस्टिंग में संलग्न मुख्य जीव का नाम है दोस्तों, ठीक है, क्या नाम है? ऑप्शंस इस प्रकार हैं, तो इसका सही जवाब हो जाएगा केचुआ, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा एक जो है कि अकोशिकीय जीव है? ऑप्शन इस प्रकार आपके सामने है जीवाणु, विषाणु, शैवाल, कवक। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा विषाणु, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्क्रीन पे आपके सामने मनुष्य के मूत्र में कौन सा एसिड पाया जाता है? तो दोस्तों इसका सही जवाब हो जाएगा यूरिक एसिड, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है सबसे बड़ी धमनी किस नाम से जानी जाती है? तो दोस्तों इसका सही जवाब हो जाएगा महाधमनी, यानी एओर्टा के नाम से जानी जाती है, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्क्रीन पे आपके सामने पुनर्जनन को घाव भरने की प्रक्रिया के दौरान किस तरह परिभाषित किया जाता है? ठीक है, एंड किया जाएगा, माफ कीजिएगा दोस्तों, ऑप्शन यहाँ पे इस प्रकार है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी समान कोशिका द्वारा नाश हो चुकी कोशिकाओं का प्रतिस्थापन। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है वंशागति का क्रोमोसोमवाद का सिद्धांत किसने प्रस्तुत किया? ठीक है दोस्तों, ऑप्शन इस प्रकार आपके सामने दिया हुआ है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा सटन एवं वोवेरी ने, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इसका राइट आंसर। अगला सवाल है निम्न में से कौन सी दवा एक पीड़ाहारी है? ऑप्शंस इस प्रकार आपके सामने हैं स्ट्रेप्टोमाइसिन, ठीक है, क्लोरोमाइस्टिन या जो है कि नोलिजिन या जो है कि पेनिसिलिन। ऑप्शन इस प्रकार हैं, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा नोलिजिन, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका सही जवाब। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं पादपों में, ठीक है, प्रकाश संश्लेषण के दौरान बनने वाला प्रथम अस्थाई उत्पाद है? ठीक है दोस्तों, तो इसका सही जवाब हो जाएगा, ऑप्शन इस प्रकार आपके सामने दिया हुआ है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा पाइरूविक एसिड, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका सही जवाब। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं स्क्रीन पे आपके सामने सवाल नंबर 45। विटामिन बी9 का रासायनिक नाम क्या है?
ऑप्शन इस प्रकार हैं, पाइरेथ्रोयोनिक एसिड या बायोटिन या एस्कॉर्बिक एसिड या फॉलिक एसिड। ठीक है दोस्तों, इस प्रकार ऑप्शन दिया हुआ है, तो इसका राइट आंसर रह जाएगा फॉलिक एसिड, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इसका राइट आंसर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है स्क्रीन पे आपके सामने। कौन सी गैस वायुमंडल के ओजोन स्तर को अपघटित करती है? ऑप्शन इस प्रकार आपके सामने दिया हुआ है, तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा क्लोरोफ्लोरोकार्बन, यानी ऑप्शन नंबर ए विल बी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा मूल मात्रक नहीं है? मीटर, सेकेंड, एम्पियर, ओम। ठीक है दोस्तों, इस प्रकार ऑप्शन है आपके सामने, तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी ओम। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, समीकरण V बराबर यू प्लस ET जानकारी देता है, तो ऑप्शन इस प्रकार आपके सामने है, वेग समय का एक कार्य है, या वेग स्थिति का एक कार्य है, या स्थिति समय का एक कार्य है, या ऑप्शन डी में है, स्थिति वेग और समय का कार्य है। तो दोस्तों इस प्रकार ऑप्शन है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वेग समय का एक कार्य है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्क्रीन पे आपके सामने, सवाल नंबर 49, बल का विमीय समीकरण क्या है दोस्तों, यानी होता है या क्या होता है? ऑप्शन इस प्रकार आपके सामने दिया हुआ है। ठीक है, तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है, MLT पावर -2, यानी ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, KWH खाली स्थान की इकाई है, तो दोस्तों इसका सही जवाब हो जाएगा ऊर्जा का। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्पष्ट प्रतिध्वनि तभी सुनी जा सकती है जब परावर्तन सतह की ध्वनि स्रोत से न्यूनतम दूरी हो लगभग। ऑप्शंस हैं 10 मीटर, 17 मीटर, 34 मीटर, 50 मीटर। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा 17 मीटर, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, यहाँ पे बी हो जाएगा इसका राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्क्रीन पे आपके सामने, सवाल नंबर 52, जब दूध को बिलोया जाता है तो उसमें मलाई पृथक होने लगता है। ठीक है दोस्तों, किसके कारण अलग होता है मलाई दूध से? तो दोस्तों ऑप्शन इस प्रकार आपके सामने दिया हुआ है, गुरुत्वाकर्षण बल के कारण, या वो अपकेंद्रीय बल के कारण, या घर्षण बल के कारण, या ऊष्मा के कारण। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा अपकेंद्रीय बल के कारण, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका सही जवाब। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जल का हिमांक बिंदु क्या है? 0 डिग्री सेल्सियस, -4 डिग्री सेल्सियस, ठीक है, 4 डिग्री सेल्सियस, या 100 डिग्री सेल्सियस। तो ऑप्शन इस प्रकार हैं, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 0 डिग्री सेल्सियस, यानी ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, श्वेत प्रकाश की एक किरण कांच के प्रिज्म पर आपतित तो होती है, वह प्रकाश वर्ण जो कांच के प्रिज्म से गुजरने पर अधिकतम विचलित तो होता है, ठीक है, वह कैसा होता है दोस्तों? ऑप्शन इस प्रकार आपके सामने दिया हुआ है, बैंगनी, हरा, लाल, नीला। तो दोस्तों यह जो है कि बैंगनी कलर का होता है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्क्रीन पे आपके सामने, वैद्युत धारा का परिमाण मापने के लिए प्रयुक्त उपकरण हैं, जेनरेटर, मोटर, अमीटर, गैल्वेनोमीटर। ठीक है दोस्तों, तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी अमीटर जिसको बोला जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है 56, गैस जो मौसमीय परिवर्तनों को प्रभावित नहीं करती है, ठीक है, वह है ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, जल वाष्प। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा जल वाष्प। सवाल नंबर है 57, निम्नलिखित में से कौन सा विद्युत का कुचालक है? ऑप्शन है इस प्रकार आपके सामने, एल्यूमिनियम, तांबा, प्लास्टिक, चांदी। ठीक है दोस्तों, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा जो है कि प्लास्टिक, ऑप्शन नंबर सी विल बी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बोहर की परिकल्पना के अनुसार स्थिर कक्षम का कोणीय संवेग होता है, ठीक है, 2πrh यहाँ पे रहना चाहिए दोस्तों, ठीक है, 2πrh, या यहाँ पे n दिया हुआ है तो n ही सपोर्ट में ले लेते हैं, ठीक है दोस्तों, 2πnh या nh बटा में 2π या nh, इस प्रकार ऑप्शन आपके सामने दिया हुआ है दोस्तों, तो ये फॉर्मूला है, आपको याद करना ही पड़ेगा, तो इसका सही जवाब हो जाएगा, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्क्रीन पे आपके सामने चिली सोरा किसका सामान्य नाम है दोस्तों? ऑप्शंस हैं सोडियम नाइट्रेट, पोटेशियम नाइट्रेट, पोटेशियम नाइट्रेट। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे पोटेशियम नाइट्रेट नाइट्रा जो है कि नाइट्राइट है यहाँ पे, यहाँ पे पोटेशियम नाइट्रेट है, दोनों अलग अलग हैं एंड डी में है सोडियम नाइट्राइट। ठीक है दोस्तों, ऑप्शन इस प्रकार हैं आपके सामने, तो इसका सही जवाब हो जाएगा जो कि सोडियम नाइट्रेट, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक पायरीमिडीन क्षार नहीं है? ऑप्शंस हैं यूरिसिल, थायमिन, साइटोसिन, गुआनिन। ठीक है दोस्तों, ऑप्शन इस प्रकार हैं, तो इसका सही जवाब हो जाएगा गुआनिन, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ई डी टी ए एक लीजेंड है। ठीक है दोस्तों, ऑप्शन इस प्रकार आपके सामने हैं, तो इसका सही जवाब हो जाएगा हेक्साडेंटेट का, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्क्रीन पे आपके सामने निम्नलिखित में से कौन सा भौतिक परिवर्तन है? ठीक है, लकड़ी का जलना, कोका कोला पेय में नमक डालने से गैस का निकलना, या कागज के टुकड़े का जलना, या लोहे को जंग लगना। ठीक है, इस प्रकार ऑप्शन आपके सामने दिया हुआ है दोस्तों, तो इसमें से बताना है आपको भौतिक परिवर्तन। तो दोस्तों इसका सही जवाब हो जाएगा कोको कोला पेय में नमक डालने से गैस का निकलना, यानी ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्क्रीन पे आपके सामने सवाल नंबर 63, निम्नलिखित में से अधातु तत्व में धात्विक चमक होती है? ऑप्शंस हैं सल्फर, फास्फोरस, आयोडीन, ठीक है बोरान। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी आयोडीन, ऑप्शन नंबर सी विल बी करेक्ट आंसर। सवाल नंबर 64, निम्नलिखित में से कौन एक गैस, ठीक है माफ कीजिएगा, गैर परंपरागत ऊर्जा स्रोत है? ऑप्शंस हैं कोयला, पेट्रोल, डीजल, वायु, ठीक है पवन जिसको बोला जाता है। ऑप्शन इस प्रकार आपके सामने दिया हुआ है दोस्तों, आपको इसका राइट आंसर बताना है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा पवन यानी वायु, ऑप्शन नंबर डी विल बी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सर्वोत्तम गुणवत्ता वाला कोयला जिसमें 80% से 95% कार्बन होता है वह है? पीट, लिग्नाइट, बिटुमिनस या एंथ्रासाइट। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा एंथ्रासाइट, ऑप्शन नंबर डी विल बी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सामान्य पुरुष के शरीर का तापमान कितना होता है? ठीक है, इस प्रकार ऑप्शन आपके सामने दिया हुआ है दोस्तों, ये आपको याद होना चाहिए। ठीक है, यहाँ पे होता है 36.9 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, जो मानव का शरीर है, जो स्वस्थ व्यक्ति है उसका शरीर जो हीट होता है वो 36.9 डिग्री सेल्सियस होता है। नेक्स्ट देख लेते हैं, स्क्रीन पे आपके सामने स्वामी सहजादनंद निम्न में से किससे संबंधित है? ऑप्शन इस प्रकार आपके सामने दिया हुआ है दोस्तों, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी यानी बिहार में किसान आंदोलन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहार किस धातु का दुनिया में सबसे बड़ा उत्पादक है? ऑप्शंस हैं अभ्रक, कोयला, लोहा, प्राकृतिक गैस। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा अभ्रक। ठीक है, पूरी दुनिया में सबसे अधिक जो है कि अभ्रक बिहार में ही पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, 69, प्रधानमंत्री स्ट्रीट वेंडर की आत्मनिर्भरता निधि पीएम स्वनिधि योजना ने हाल ही में सफलतापूर्वक कितने वर्ष पूर्व जो है कि पूरे किए हैं? ऑप्शंस इस प्रकार हैं 3, 4, 5, 6। तो दोस्तों इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी 3, ऑप्शन नंबर ए विल बी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्क्रीन पे आपके सामने श्रीनगर स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट के तहत शहर को किस वर्ष तक स्मार्ट सिटी का टैग मिल जाएगा? ऑप्शन है 2024, 2025, 2026, 2027। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा 2024। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय मानक मायोक्ता रेखा, ठीक है इंडियन स्टैंडर्ड मेडियम, ठीक है दोस्तों इस प्रकार इन 5 राज्यों से होकर गुजरती है, इनमें से कौन सा जो है कि उन 5 राज्यों में से एक नहीं है? ऑप्शंस हैं आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, बिहार। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा बिहार, ऑप्शन नंबर डी विल बी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्क्रीन पे आपके सामने भारतीय संविधान को लिखने वाले संविधान सभा के
ठीक है, उपाध्यक्ष कौन थे? ऑप्शंस हैं जयपाल सिंह जी, दुर्गा बाई देशमुख, या एच सी मुखर्जी, या राजेंद्र प्रसाद। ठीक है, तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, एच सी मुखर्जी। ऑप्शन नंबर सी विल बी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वतंत्रता से पूर्व भारत में गरीबी की अवधारणा पर चर्चा करने वाले सर्वप्रथम व्यक्ति कौन? ऑप्शन इस प्रकार हैं, सुरेंद्रनाथ बनर्जी, जीवी जोशी, डी वाचा, या दादा भाई नरोजी। तो दोस्तों इसका सही जवाब हो जाएगा दादा भाई नरोजी, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संयुक्त राष्ट्र के पहले महासचिव इनमें से किस देश से संबंधित है? फिनलैंड, स्वीडन, पुर्तगाल, नॉर्वे। तो दोस्तों इसका सही जवाब हो जाएगा नॉर्वे, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से किस शहर में अंग्रेज पुर्तगालियों द्वारा घेर लिए जाने पर स्वतंत्रता संग्राम सेनानी चंद्रशेखर आजाद ने स्वयं को गोली मार ली थी? ठीक है, ऑप्शंस हैं कानपुर, भोपाल, इलाहाबाद, जबलपुर। तो दोस्तों इसका सही जवाब हो जाएगा इलाहाबाद, ठीक है, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में जो है कि विधिपूर्ण शासन का लाभ विचार इनमें से किस संविधान से लिया गया है? ऑप्शंस हैं फ्रांसीसी, जर्मन, ब्रिटिश, कनाडाई। ठीक है, तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी ब्रिटिश, ऑप्शन नंबर सी विल बी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्क्रीन पे आपके सामने जो है कि सोमगो झील भारत के किस राज्य में स्थित है? तो ये जो कि दोस्तों ऑप्शन नंबर, यानी ये सिक्किम में स्थित है, यानी ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका सही जवाब। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के सबसे कम आयु के शतरंज ग्रैंड मास्टर होने का रिकॉर्ड इनमें से किसके नाम दर्ज है? किसके नाम पर दर्ज है? ऑप्शन इस प्रकार है दोस्तों, तो इसका सही जवाब हो जाएगा जो है कि डी मुकेश, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सर्व शिक्षा अभियान खाली स्थान, ठीक है, खाली स्थान तक की आयु वर्ग के सभी बच्चों को प्रारंभिक शिक्षा प्रदान करने की दिशा में उठाया गया एक महत्वपूर्ण कदम है? 6 से 14, 7 से 15, 6 से 15, 8 से 15। तो दोस्तों इसका सही जवाब हो जाएगा 6 से 14। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति कौन करता है? दोस्तों मुख्य चुनाव आयुक्त, या मुख्यमंत्री, राष्ट्रपति, या राज्यपाल। इस प्रकार ऑप्शन आपके सामने दिया हुआ है दोस्तों, तो इसका सही जवाब हो जाएगा राज्यपाल, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के पर्यावरण मंत्रालय के अधीन भारत, यानी भारतीय वन सर्वेक्षण किस शहर में स्थित है? नई दिल्ली, देहरादून, भोपाल, गुवाहाटी। तो दोस्तों इसका सही जवाब हो जाएगा देहरादून, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मोहनजोदड़ो शब्द का अर्थ क्या है दोस्तों? ठीक है, रहने का स्थान, या बाजार स्थल, या मृतकों का टीला, या पसंदीदा शहर। तो दोस्तों इसका सही जवाब हो जाएगा मृतकों का टीला, यानी ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से कौन हर्षवर्धन के शासनकाल में भारत आया था? फाहियान, अलवर्णी, या इत्सिंग, या हैनसांग। ठीक है दोस्तों, इस प्रकार ऑप्शन आपके सामने दिया हुआ है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा हैनसांग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्क्रीन पे आपके सामने सवाल नंबर 84, भारत में जमीनी स्तर पर खेल संस्कृति को पुनर्जीवित करने के लिए खेल एवं युवा मामलों के मंत्रालय द्वारा वर्ष 2018 में इनमें से कौन सा कार्यक्रम शुरू किया गया? ऑप्शन इस प्रकार आपके सामने दिया हुआ है दोस्तों, ठीक है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा खेलो इंडिया कार्यक्रम, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्क्रीन पे आपके सामने, महाद्वीप और उनमें स्थित सबसे बड़े देश क्षेत्रफल की दृष्टि से का इनमें से कौन युग्म, यानी कौन सा युग्म सुमेलित है? ऑप्शन इस प्रकार है दोस्तों, तो इसका सही जवाब हो जाएगा दक्षिणी अमेरिका, ब्राजील, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक व्यक्ति ने अपनी घड़ी 144 रुपए में बेची, उसे घड़ी के क्रय मूल्य के बराबर प्रतिशत लाभ प्राप्त हुआ, उसी घड़ी का क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। तो दोस्तों एक मैथ का सवाल है, ये आपको जो है कि बना करके इसका आंसर जो है कि कमेंट बॉक्स में कर देना है, और ये प्रश्न हमारे सेशन का आखिरी प्रश्न था, ठीक है। तो दोस्तों
कैसा लगा वीडियो जरूर, अगर अच्छा लगा तो लाइक कर दीजिएगा, ठीक है। दोस्तों में भी सब्सक्राइब जो है कि शेयर कर दीजिएगा, अच्छा लगे तो लाइक सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, ठीक है दोस्तों। अगला वीडियो पाने के लिए आप हमारे साथ जुड़ने के लिए सब्सक्राइब कर ही लीजिएगा, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जय हिंद।